पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाए जाने वाले जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व रविवार को मनाया गया। इस मौके पर सुबह 2.5 दिन के झोपड़े से जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न स्थानों से होकर ऋषि घाटी पर समाप्त हो गया। इस जुलूस का सभी धर्म के लोगों ने स्वागत किया। कितना आगे ना बढ़े, पीछे चले, ज्यादा आगे ना चले, व्यवस्था बनाते हुए चले। आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और आज ये जुलूस अंदर कोट अताई 2.5 दिन के झोपड़े से स्टार्ट होकर दरगाह बाजार, धान मंडी, दिल्ली गेट और फुहारे होते हुए दौलतबाग में सलात व सलाम पढ़ा जाएगा। और आप देख सकते हैं जुलूस की रौनक किस तरीके से हुजूम रोडों के ऊपर निकला जश्न मिलादुल नबी की खुशियाँ मनाने के लिए मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान को। मैं आज जश्न मिलादुल नबी के मौके पर सबको आज हुजूर की पैदाइश के पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। ईद मिलादुल नबी के मौके पर मैं पूरे अजमेर वासियों को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज का दिन हर मुस्लिम के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी आमद हुई थी। आज सभी लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि कल के फैसले को ले
लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि ये फैसला सभी के हित के लिए आया है और सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए सर्वोपरि है। SC का, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया सर्वमान्य है, हम सर्वसम्मति से इसका स्वागत करते हैं और सभी से आज के दिन को जश्न के तौर पर मनाने के लिए अपील करते हैं और चाहते हैं कि जिस अमन अमान से आज ये जुलूस जो निकल रहा है, सारे मुसलमान भाई बहनों की जो एक अपनी ख्वाहिश होती है आज के दिन की, वो सब तमाम पूरी हो और आप सभी इसी तरह हर्षोल्लास के साथ ये इसी साल मनाते हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक, तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।